एंड तक देखने के बाद आपको हर किसी के साथ एक अच्छे संबंध बनाने में बहुत मजा आएगा। आप सफल हो जाएंगे हर किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। देखिए, मेंटेन करने के लिए, इस बात को याद रखना, हम धीरे धीरे इसको समझाते जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप में कोई भी, चाहे कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और इसको आप कैसे सॉल्व करें। और हाँ दोस्तों, फिर से हम बता दें, ये सॉल्यूशन कभी भी बाहरी दुनिया में नहीं होती, ये हमारे अंदर ही होती है, हमारे कंट्रोल में ही होती है और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज के वीडियो को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी अवचेतन को यूज करके, हम अपनी सोच को यूज करके, अपनी सोच की शक्ति से कैसे एक सद्भावपूर्ण मानवीय संबंध हर किसी के साथ बिठा सके। हम सब चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाए हर कोई हमें पसंद करे। हम चाहते तो हैं, लेकिन जब हम जाते हैं, हमारी अंदरूनी फीलिंग्स क्या होती है? चाहते तो हम सब हैं कि हमारे मुताबिक काम हो, हमें सब पसंद करें, लेकिन क्या आप सबको पसंद करते हैं? हम चाहते हैं कि हम जहां भी जाए सब कोई हमें हेल्प करे, प्यार करे, केयर करे, क्या हम केयर करते हैं, हम प्यार करते हैं? देखिए दोस्तों, ये जो संबंध है, ये जो 3D वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में जो भी सिचुएशन, जो भी पर्सन है, हमेशा याद रखिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अंदरूनी सोच की एक झलक है, एक प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगी? जो छवि आपके अंदर है, उसी छवि ही रिफ्लेक्ट हो रही है। ये बात हो सकता है हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन ये बात सच है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। चाहे संबंध कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, आप ये ध्यान दीजिए कि उस संबंध के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, देखिए, तीन चीज होती है। एक है हमारा सोच, दूसरा है हमारा महसूस करना, हमारी फीलिंग्स, तीसरा है उस अकॉर्डिंग। देखिए, हमारा सोच और हमारी फीलिंग्स जैसी होती है, हम काम भी वैसे ही करते हैं। तो अभी जब हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे बारे में अच्छा सोचे, तो सबसे पहले हमें सबके बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी प्रेजेंस को एक पॉजिटिव फीलिंग्स के तरह ले, हर कोई हमें हमारी प्रेजेंस को, प्रेजेंस पर अच्छा महसूस करे, तो हमें हर किसी की प्रेजेंस को लेके अच्छा महसूस करना पड़ेगा। तीसरी बात है, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे मुताबिक एक्शन लें, तो सबसे पहले हमें लोगों के मुताबिक एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन मत लाइए, धीरे धीरे हम समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, देखिए, पहले हम सोच की बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो छाप पड़ जाता है, वही छाप रिफ्लेक्ट करता है हमारी बाहरी दुनिया में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों के अंदर ऐसी सोच होती है कि पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, जिसका चाइल्डहुड जैसे होता है वो उसी हिसाब से दुनिया को प्रेडिक्ट करने लगता है। जो जेंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पुरुष समाज जो होता है वो अत्याचारी होते हैं, महिलाएं जो होती हैं वो ऐसी होती हैं। कुछ हमारे ट्रेडिशनल थिंकिंग होती है, कुछ हमारे ऐसे सोच के बीज होते हैं जो कि बचपन से हमारे एक्सपीरियंस और हमारे जो सराउंडिंग के जो लिमिटेड नॉलेज होता है, उसकी वजह से हमारे अंदर वैसे सोच पैदा हो जाती है। और जब वो सोच का छाप हमारे अंदर पड़ जाता है, तो आगे चल के वैसे ही लोग हमें मिलते जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमें क्यों अलग से लोग मिल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी क्यों सहज नहीं हो रही है, वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ही वो सोच है। देखिए, सबसे पहले तो नए ऐसे नेगेटिव सोच को पाले मत, और अगर पुराने पहले से आपके अंदर ऐसे सोच आ गए हैं, तो उन सोच के ऊपर काम कीजिए, अपने इनर वर्क कीजिए। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरी मदद ले सकते हैं, या फिर YouTube में बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचेस हैं, आपको जो भी पसंद है आप उनका मदद लेके इनर वर्क शुरू कीजिए, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके बिलीव आराम से बदल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपकी फीलिंग्स। देखिए, जैसे हम एक चीज़ को बहुत दिन तक सोचते हैं, तो वही हमारी फीलिंग्स बन जाती है। ठीक है, जब हम किसी के बारे में
पुरुष समाज हो गया, महिलाओं के समाज हो गया, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेके, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, हस्बैंड्स को लेके, वाइफ को लेके, जब किसी भी रिश्ते को लेके, फ्रेंड्स को लेके, किसी भी रिश्ते को लेके, जब हम लगातार एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक चीज कुछ नेगेटिव सोचते हैं, तो वो हमारे अंदर एक फीलिंग्स क्रिएट कर देती है, ईर्ष्या, और फिर एंगर क्रिएट हो जाता है, जेलसी क्रिएट हो जाता है, किसी के कोई तरक्की कर रहा है तो हमें उसमें दिक्कत होने लग जाती है, ऐसे कुछ फीलिंग्स हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। देखिए दोस्तों, किसी और की तरक्की से जब हम जेलस फील कर रहे हैं, किसी और की वजह से अगर हमें गुस्सा आ रहा है, और किसी और की वजह से हम नेगेटिव वाइब्स में जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो उसकी वजह से नहीं हो रही है, हमारे ही खुद की फील, अपने लिए वो जो कमी वाली फीलिंग्स है, उस कमी वाली फीलिंग्स की वजह से हम नेगेटिव वाइब्स में जा रहे हैं, उसकी वजह से नहीं। देखिए, किसी पर्सन पर डिपेंडेंट नहीं होता है हमारी फीलिंग्स। इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं, तो जब भी आपको एंगर होता है, जेलसी होती है, या फिर कोई भी आपको दिक्कत होती है, तो आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि ये मेरी ही कमी है, और जब आप इनर वर्क को कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ आप अवेयर हो जाएंगे कि नहीं, ये मेरी कमी की वजह से हो रही है, मुझे इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन पर भी हम आएंगे लास्ट पर। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बोला कि हम लोगों के बारे में अच्छा सोचें, लोगों को हमेशा हेल्प करें, लोगों के हिसाब से काम करें, देखिए इसका और एक ऐसा मीनिंग मत निकालिए कि हमें लोगों के हिसाब से ही रहना है, उनका गुलाम बन जाना है, उनके चापलूसी करना है, उनके पीछे पीछे जाना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम सबका अधिकार है खुशी के साथ रहना, स्वतंत्रता के साथ रहना, और शांतिपूर्ण जीवन यापन करना। आप खुद के लिए भी एक बाउंड्री बनाइए, खुद को एक हेल्दी बाउंड्री के अंदर रखिए, और लोगों को भी उसी हिसाब से सम्मान, रिस्पेक्ट दीजिए, और उनके लिए भी आप सेहत, खुशी और शांतिपूर्ण जीवन का आप मांग कर सकते हैं यूनिवर्स से। हो गया, इतना ही काम है आपका। आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने साथ काम करें, अपनी थॉट प्रोसेस के साथ काम करें, कि आपके अंदर वो कौन सा थॉट है, आपके अंदर वो कौन सा नेगेटिव बिलीव है, जिसकी वजह से लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आप देखेंगे, थोड़ा सा खुद को जब एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई नेगेटिव बिलीव्स तो है। और अगर आपको पता नहीं भी चल रहा है, तो आप सिंपली हर किसी के लिए होपोनोपोनो कर सकते हैं, खुद को आप माफी मांग सकते हैं कि कोई भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मेरे सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मैं माफी मांगती हूँ खुद से और आगे बढ़ना चाहती हूँ, ईश्वर मुझे वो शक्ति दे रही है, ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी मेरे शरीर के हर कण कण में बसा हुआ है, और वही पॉजिटिव एनर्जी मेरे से निकलकर पूरी दुनिया में फैल रही है, और हर किसी के साथ मेरा एक सद्भाव और शांतिपूर्ण रिश्ता बन रहा है। इस तरह का एफर्मेशन आप खुद को हमेशा बार बार देते रहिए। सिर्फ इसी एफर्मेशन जब आप फीलिंग्स के साथ, कृतज्ञता के साथ देते हैं, तो चीज़ें आराम से बदलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत कॉमन एफर्मेशन है, कॉमन प्रैक्टिस है, जिसको करके आप अपनी ज़िंदगी की सारे रिश्तों वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है, तो प्लीज़ आप लोग कोचेस की मदद लीजिए, क्योंकि कोचेस जो होते हैं, उनकी मदद लेके कुछ काम करना, एक गाइडेंस में कुछ काम करना, उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है और बहुत गुना में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं और कुछ जानकारी के साथ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।